नगर पालिका के ईओ पालिका चेयरमैन रजनी साहू के काले कारनामों के खिलाफ सभासद एकजुट हो चुके हैं। सभासदों ने आज सोमवार को शहर में मौन जुलूस निकालकर पहले दिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और ईओ को 8 सूत्रीय मांग पत्र देकर 3 दिन के अंदर जवाब मांगा, अन्यथा की स्थिति में सभासद उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। शहर के कम्युनिटी हॉल नदरई गेट से शुरू हुआ सभासदों का मौन जुलूस भाजपा सभासद संजय पुंडीर की देखरेख में निकाला गया। बाद में ये जुलूस कांसगंज नगर पालिका में पहुंचकर नारेबाजी में तब्दील हो गया, जहां सभासदों ने हाथों में पट्टिकाओं लेकर अधिशासी अधिकारी होश में आओ, भ्रष्टाचार बंद करो, चेयरमैन रजनी साहू, अधिशासी अधिकारी लवकुश गुप्ता मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सभासद संजय पुंडीर ने बताया कि पालिका में लगातार भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। सभासद इस बात का जवाब मांगते हैं तो उन्हें पालिका द्वारा नहीं दिया जाता, साथ ही उनके फोन को भी नहीं उठाया जाता। उन्होंने बताया कि बीते दिन सभासदों ने लवकुश गुप्ता से 8 सूत्रीय मांग पत्र का जवाब मांगा था, ये जवाब उन्हें नहीं मिला, जिससे बाध्य होकर उन्हें आंदोलन की ओर जाना पड़ रहा है। उन्होंने एक बार फिर 8 सूत्रीय मांग पत्र का जवाब 3 दिन के अंदर नहीं दिया तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। आपका? मेरा नाम संजय पुंडीर, नाम है सभासद। आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं नगर पालिका में चेयरमैन के खिलाफ, क्या है पूरा मामला? मामला यह है कि हमने एक 8 सूत्री ज्ञापन दिया था और उसमें 3 दिन का समय दिया था कि 3 दिन के अंदर हमें उसका जवाब लिखित में चाहिए, लेकिन वो 3 दिन के अंदर हमें लिखित में जवाब नहीं मिला। 4 दिन 5 दिन बीतने के बाद हमने नगर पालिका में कम्युनिटी हॉल से नगर पालिका तक मौन जुलूस निकाला है और मौन जुलूस के माध्यम से हम ये दर्शाना चाहते हैं कि चेयरमैन साहब हमारी मांगों को सुने और उसे पूरा करें। और जो जैसे कि अधिकारी सभासदों की बातों को नहीं मानते हैं, और फोन नहीं रिसीव करते हैं, ये बहुत गलत है और उनको मानना चाहिए। एक तरफ आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, योगी सरकार है, आप भाजपा के चुने हुए मेंबर हैं, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार लग रहा है नगर पालिका में? निश्चित नगर पालिका में तो भ्रष्टाचार सुनवाई में आया है और है कि मैं इसका एक गवाह इसलिए हूँ कि मैंने 2 सितंबर को ईओ साहब और चेयरमैन साहब से कहा था कि नगर पालिका का कबाड़ बिना बोर्ड की बैठक के न बेचा जाए, लेकिन गुपचुप तरीके से कबाड़ को बेच दिया गया। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? ये कोविड-19 का जो पैसा था उसका हिसाब आज तक नहीं दे रहे हैं, वो आखिर वो पैसा गया कहाँ? भाई हम बोर्ड